ॐ जय कृष्णाय नमः जग तारक है आए चरणों में नमो नमः ॐ जय गुरुदेवाय नमः भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते स्वामी कृपा है करते झोलियां है भरते ॐ गोशालक आयात कहा कि देखो भगवान महावीर जो अपने को भगवान कहता है आ गया है, इसे बैठने को जगह दो और यदि आत्मा को उपलब्ध नहीं हुआ होगा तो इसे मुझे आत्मपद उपलब्ध कराना पड़ेगा। महावीर सुने लेकिन माने नहीं, नजदीक आ गए। गोशालक को दंड प्रणाम करना और अकड़ कर बैठ गया। कहा गोशालक मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारे पिछले जन्म का भी जानता हूं, तुम्हारे जन्म के जन्म का भी मैं जानता हूं, तुम्हारा कई जन्मों का इतिहास मेरे सामने नाच रहा है। तुम अपना समय मत गवाओ गोशालक, अहंकार छोड़ो, आ जा मेरे साथ। आज नहीं कल, कल नहीं परसों तू उपलब्ध हो जाएगा गोशालक, मैं तुझे आश्वासन देता हूं। नीचे खड़े होकर, चूंकि भगवान महावीर को अहंकार नहीं, वो तो करुणा मूर्ति हैं, उनको अंतर नहीं पड़ता है तू प्रणाम करो या ढेला मारो। करुणा या अधर्म मैं बताया था तुम लोगों को, वासना शरीर से उत्पन्न होती है, प्रेम मन से उत्पन्न होता है, करुणा आत्मा से उत्पन्न होती है। भगवान महावीर कारुणिक है। गोशालक मां शरीर और मनस तल पर खड़ा है, दोनों में बड़ा गैप है। गोशालक बोलने में बड़ा प्रवीण है, कथावाचक बड़ा प्रवीण होते हैं, प्रवीण है। कहता है कि महावीर मैं सच कहता हूं, तुम्हारे साथ 12 साल रहा, तू कुछ नहीं जानता है। महावीर जिस दिन तुझे भान हो जाए कि मैं अब इस जन्म में कुछ नहीं जान पाऊंगा, उस दिन आकर केवल शरणागत कर देना, मैं तुझे उस परमात्मा को उपलब्धि करा दूंगा। अब बताओ। भगवान महावीर कहे चलो चलो। शिष्य शब्द बड़ा मुंह नीचे कर लिया, लेकिन भगवान महावीर को अंतर पड़ने वाला नहीं है, मुस्कुराते हुए चल दिए। लेकिन भगवान महावीर तो बर्दाश्त कर लेंगे, करुणा के मूर्ति उन्हें अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रकृति को बड़ा पड़ता है, उस परमात्मा को बड़ा पड़ता है। वह हर व्यक्ति का निर्णय करता है, उससे छिप कर तुम नहीं रख सकते हो। वह हर समय तुम्हारी फोटोग्राफी करता है, हर समय तुम्हारा देखता है तुम किसके साथ क्या मान और अपमान कर रहा है, उसका वह दंड देना तुम्हें नहीं भूलता है। उसके कुछ ही दिन के बाद गोशालक बड़ी दूर से बीमार पड़ता है, भयंकर बीमारी पड़ती है, और बीमारी में वो देखने लगता है ताल देवता मेरे सामने खड़ा है, नरक में घसीट कर ले जाना चाहता है। वह काल कहता है तूने इस समय के सदगुरु का तूने अपमान किया है, तूने समय के सदगुरु को भूल दिया है, अब तुझे तो महान नरक का दंड भोगना ही होगा गोशालक। अब क्या करे गोशालक, कांप उठता है। यदि गोशालक थोड़ा धैर्य रखता, कांपते मामते डरते फरते, तो गोशाला का आज धर्म होता। काल नेम का धर्म बहुत तेजी से चल रहा था, मारीच का भी धर्म तेजी से चलता था, रावण का भी धर्म तेजी से चलता था। झूठ जो है सच के पैर से चलते हैं, इनका पैर बड़ा तेज चलता है। लेकिन गोशालक शरीर छोड़ते हुए अपने शिष्यों को बुलाया और रोते हुए कहा कि मेरा तुम शिष्य हो तो एक काम कर सकता है। कहा क्या प्रभु, जो आप कहिएगा वही करेंगे हम लोग। कहा कि नहीं सोच लो ठीक ठीक। कहा कि हाँ प्रभु एक ही काम करें, जो आप कहिएगा वही करेंगे। तो एक काम करना, मैं गुरुद्रोही हूं। सब का सुनकर वाक रह गए, क्या बोल रहे हैं। कहा कि मैं सच बोल रहा है, मैं गुरुद्रोही हूं, कुछ नहीं जानता हूं, जानने वाले को ठुकरा दिया हूं, इस पृथ्वी का
अभी सबसे ज्वलंत यदि कोई सदगुरु है तो वह भगवान महावीर है। मैं अंत में नहीं चाहता हूं तुम लोगों को धोखा देना, मैं पुनः आदमी का जन्म ले लूं और दूसरा जब जन्म ले लूं तो पुनः काशी में, जहां पार्श्वनाथ की भी जन्म स्थली है, इस काशी में जन्म ले लूं और पुनः अपने तपस्या के द्वारा इस मानव जीवन को उत्कृष्ट कर दूं। देखो, यह मैं कहना चाहता हूं, यह पहला और अंतिम व्यक्ति है जो सकार स्वीकार कर लिया, मारिच स्वीकार नहीं किया, कालनेम स्वीकार नहीं किया, रावण स्वीकार नहीं किया, और अभी धर्म के नाम पर हजारों मारिच पैदा हो गए हैं पूरे भारत और विश्व में। तू पहचानते नहीं हो, बहुत लोगों को मैं पहचानवा भी दिया हूं, कह भी दिया हूं, इशारा भी कर दिया हूं, लेकिन उनकी धर्म धोखा बड़ी तेजी से चल रही है। तुम तो बेचारे हो, बेसहारे हो, मारे जाते हो। शंकर जी इस नगरी में दान तो ले लिए, देवदास ने कहा कि प्रभु मैं दान दिया लेकिन मैं अब जा रहा हूं यहां से। मैं दान जब दे दिया, हम लोग जब दान दे देते हैं, पुत्री का भी कन्या दान दे देते हैं तो उसके यहां नहीं जाते हैं, ना उसका अन्न खाते हैं। अभी भी बहुत लोगों में परंपरा है, और यह जमीन दान दे दिए, देवदास यहां राजघाट से नौका से पार करके यहीं आ गए, यहीं पर अपना बैठ करके झोपड़ी लगाकर तपस्या करने लगा। देवदास ने विजन दिया, यही क्षेत्र है प्रभु मेरा तपस्या। देखो उसी परंपरा में बुद्ध और महावीर भी सूर्यवंश के थे, ये लोग भी बनारस आए, काशी में नहीं आए, सारनाथ से लौट गए, कई काशी दान दिया गया नहीं आए, लौट गए। किन्नाराम भी नजदीक के थे, किन्नाराम क्रीम कुंड पर रहे, यहां से लौट गए। अवघड़ राम, भगवान राम इस पार्टी यहीं पर आकर गौरी क्षेत्र में रहे, छोड़ दिए। जो भी क्षत्रिय राजा या साधु या महात्मा हुआ है, बुद्ध के परंपरा से लेकर आज तक काशी में पैर नहीं रखता है, यदि रखता भी है तो स्नान स्नान करके दान देकर लौट जाता है, जानता है काशी भोले बाबा को दान दिया गया है, मैं क्यों रहूं। अब पार्वती भी यहां आ गई जल लेने, वह भी खोजने लगे, फिर लोग कहे कि दो औरतें इधर गई। शंकर जी भी आए खोजने के लिए, पता चल गया, सीबीआई खबर दे दिया कि देवदास के आश्रम में चली गई। शंकर जी आकर के यहां पर वेदों की से गुणगान किए पार्वती का, डमरू बजाए, जब डमरू बजाए इस गंगा तट पर राजघाट के सामने ही, तब इस जगह का नाम डमरू से डुमरी अपभ्रंश होकर पड़ा। माता पार्वती को बहुत देवदास समझाए, वो कही कि मैं नहीं जाऊंगी। पार्वती कही कि ठीक है, तुम जानते हो कि मैं एक रूप से दुर्गा भी बन जाती हूं और एक रूप से ब्रह्मचारिणी भी हूं, एक रूप से कात्यायनी भी हूं, तो एक रूप से मैं अन्नपूर्णा बनकर काशी में निवास करूंगी, तुमको ही नहीं तुम्हारे सारे भक्तों का भरण पोषण करूंगी। और तब से काशी की अन्नपूर्णा एक रूप से भरण पोषण करती है, और जिस जगह पर प्रकट होकर यह आशीर्वाद दी प्रसन्न होकर के, वह आशीर्वाद जगह को ही सूजाबाद कहते हैं, इसलिए सूजाबाद और डुमरी को काशी क्षेत्र में ही रखा गया है, दो गांवों को, इसलिए यह जगह दो ही गांव ना है काशी में, सूजाबाद और डोमरी, उसको सूजाबाद कहा गया। कभी भगवान शंकर जब ब्रह्मा जी का पचवां सिर, एक सिर काट लिए थे, और वह सिर जब शंकर जी को पकड़ लिया था, त्रिलोक में भ्रमण करते करते जब यहां पर आए और यहां से सोचे कि मैं काशी में प्रस्थान करूं, और काशी की तरफ प्रस्थान करने के लिए ज्यों ही मुड़े, उस जगह पर उनका वह सिर गिर गया, उसी सर को कहा गया कटसर, कटसर से नाम पड़ा कटेसर, यानी वह कटा हुआ सिर गिर गया था, कटेसर, कटा सिर माने ब्रह्मा का गिरा। कटेसर के लड़के यहां पर होंगे, बहुत लोग होंगे। तो यह
इस धरती का महात्मा है। और तब से जब यहां तक हमको देवदास ने यह विजन दिया और यह जमीन जबरदस्ती एक तरह से वह लिखा व्यक्ति, तब यहां पता चला आए कि यहां हनुमान जी की मूर्ति रामानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। रामानंद जी का शिष्ट थी इष्ट देव हनुमान जी हैं, जो कई बार पानी के बाढ़ के गर्भ में गिरा रहा, यहां जंगल था और गया, और उस हनुमान जी को निकाल करके जिस जगह पर स्थापित किया गया, आसपास के लोगों ने बताया कि इस जंगल में ही हनुमान जी की मंदिर रहती थी, जहां कभी कालांतर में तुलसीदास भी आते थे ध्यान करने, यही मंदिर थी और यही यही जगह पर हमने हनुमान जी का स्थापना कर दिया। और मैं सच पूछो तो खानदान दन खानदार हम हनुमान जी के भक्त नहीं हैं, ये एक सच बात कह दिए। पुस्त दर पुस्त दूर दूर से कहीं हनुमान जी से संबंध नहीं रहा कि इनकी पूजा करें। कोई पूजा भी करता था तो मैं टंट कर देता था, लेकिन यह मालूम हुआ कि हनुमान जी बताए कि भाई भगिना भी हैं आपके, भांजा भी हैं, फिर तुम लोग पूछेगा भांजा कहे हनुमान लिखे हैं, लिख दिए हैं उस किताब में, लेकिन संक्षेप में बता देते हैं, हनुमान की माँ अंजनी है, अंजनी की माँ गौतमी, अहिल्या, अहिल्या भी सिद्धाश्रम में रहती थी बक्सर में, और अहिल्या के नाम पर अभी भी जगह है अहिल्यावली। अब अहिल्यावली से नाम उसका अपभ्रंश होकर पड़ा अहिरावली, जहां आप लोगों को मैंने यज्ञ कराया था और अहिल्यावली से वचन दिलवाया था आप लोगों को कि हम सद्वीप समाज की स्थापना जैसे भगवान राम ने यहां शपथ लेकर किया था आप लोगों को भी पूरे विश्व में फैल जाना है, वह दिलाया था, याद है? याद है कि भूल गया तुम लोग? स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर निलोठी मोड़ नांगलोई दिल्ली 110041।